YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अनुदान में भारी कटौती को लेकर वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले करणी प्रखंड अंतर्गत राणाडी स्थित चंद्रशेखर दुबे उच्च विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी व छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग शिक्षा सचिव हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो इत्यादि गगनभेदी नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों इंटर कॉलेजों संस्कृत विद्यालयों व मदरसों को प्रतिवर्ष मिलने वाले अनुदान में शिक्षा सचिव द्वारा भारी कटौती कर अनुदान एक चौथाई कर दी गई है। कहा पूर्व की भांति अनुदान देने सहित अन्य मांगों के लिए यथाशीघ्र सकारात्मक पहल नहीं होने की सूरत में आगामी 20 तारीख को मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री रघुवर दास की आवाज का घेराव किया जाएगा। आज हम लोग पूरे झारखण्ड प्रदेश में सभी बीत रहे स्कूल इंटर कॉलेज संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के शिक्षक तथा बच्चे झारखंड के शिक्षा सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध में जो है उनका जो है मूर्ति पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नियम उपनियम बना करके हमारे शिक्षकों को वेतन जो मिलता था, जो अनुदान का भुगतान करता था सरकार, उसको इन्होंने एक चौथाई कर दिया और उपनियम लगा करके जो विधानसभा में पास नियम नहीं है उनका जो है ये मिसाल हमारे सामने देते हैं। हम लोग देहात पिछड़े गरीब दलित मजदूर बच्चों को पढ़ाते हैं और ये जो है सरकार जो है स्कूलों को बंद करना चाहती है, शिक्षकों को अनुदान रोकना चाहती है, बच्चों को छात्रवृत्ति से वंचित करना चाहती है, बच्चों को जो भी लाभ मिलने वाला है उन लाभ से वंचित करना चाहती है। इसलिए हम जो है इस सरकार के विरुद्ध में आंदोलनरत हैं और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक से हमारी मांगे हमें घाटा अनुदान या वेतन का भुगतान सरकार जो है नहीं करती है। हम जो है अपने कार्यक्रम में निरत रहेंगे। हम आगे जो है 8 तारीख से 12 तारीख तक झारखंड के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भाजपा के अध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी अखबार हम सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पोस्ट कार्ड लिखेंगे। अगर सरकार होश में नहीं आती है तो हम अगले 20 तारीख को हम 25 से 30 हजार के संख्या में झारखंड की राजधानी रांची में पहुंच करके रघुवर दास के आवास को घेरेंगे।